दोस्तों होम लोन सब्सिडी का बहुत एक अहम पॉइंट है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो आपकी सब्सिडी या तो रिजेक्ट हो सकती है या तो डिले हो सकती है। ये पॉइंट है स्पेलिंग मिसमैच का। जब भी आपका सब्सिडी का फॉर्म आप सबमिट करवाते हैं उस टाइम पे आपके फॉर्म के अंदर किसी नाम में तो स्पेलिंग मिसमैच नहीं होगी, ये देखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ई की जगह पे आई हो जाता है। ये छोटी सी मिस्टेक जब आपका वेरिफिकेशन होता है तब नाम मिसमैच की वजह से आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आधार कार्ड के अंदर की भी सेम मिस्टेक होती है। अगर अभी भी आपका आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक नहीं हुआ है और दोनों के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, नज़दीकी आधार कार्ड के अंदर सेंटर के अंदर जाके आप इसको चेंज करवा दीजिए। और 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, जैसे ही आपका आधार कार्ड ओरिजिनल आ जाता है उसकी कॉपी को आप आपका जहाँ भी लोन का प्रोसेस आपने दिया हुआ है सब्सिडी के लिए वहाँ पर आप सबमिट करवा दीजिए। हो सकता है कि ऑन टाइम सबमिशन की वजह से आपका वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका केस पॉजिटिव हो जाए।